कपिल नगर थाना क्षेत्र के उपलवाड़ी परिसर में एक महिला की गला घोटकर हत्या कर दी गई। मृतक समर्थ नगर निवासी दीपा जुगल दास बताई गई। हत्या करने वाले और कोई नहीं, उसी की घनिष्ठ सहेली और उसका पति निकला। आरोपियों में परिसर में रहने वाली स्वर्णा सोनी और सामी सोनी का समावेश है। 1 लाख रुपए के लेन देन को लेकर विवाद होने की जानकारी सामने आ रही है। पुलिस के अनुसार दीपा जैन इंटरनेशनल शाला की स्कूल बस में कंडक्टर का काम करती थी। पति निजी संस्थान में काम करते हैं और उन्हें 2 बच्चे भी हैं। दीपा दोपहर को घर लौटी, वह 1:30 बजे सहेली सोनी से मिलने जाने का बताकर घर से निकली, तभी से उसका कोई पता नहीं था। शाम तक दीपा घर नहीं लौटी, इससे पति और अन्य परिजन चिंतित हो गए। खोजबीन में भी उन्हें दीपा का कोई पता नहीं चला। परिजन कपिल नगर थाने पहुंचे, दीपा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई जाने लगी। तभी पुलिस को उपलवाड़ी में महिला का पॉलिथीन में बंधा शव मिलने का पता चला। पुलिस को घटनास्थल से मिले सामान और हुलिये से दीपा का शव होने का संदेह हुआ। परिजनों को बुलाने पर शव की पहचान हो गई। दीपा के हाथ और पैर दुपट्टे से बांधकर उसकी लाश प्लास्टिक में डालकर फेंकी गई थी। पुलिस को पूरा संदेह था कि मर्डर कहीं और हुआ है। परिसर में केवल लाश फेंकी गई है। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि दीपा अपनी सहेली स्वर्णा से मिलने गई थी। घर नहीं लौटने पर पति जुगल ने स्वर्णा को फोन किया। उसने बताया कि कुछ देर बाद ही दीपा उसके घर से निकल गई थी। पुलिस को शुरुआत से उस पर संदेह था, लेकिन वह मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। आखिरी बार दीपा को उसी के घर के सामने देखा गया था। फोन पर बात भी उसी से हुई थी। DIG सुनील फुलारी और DCP चिन्मय पंडित भी कपिल नगर थाने पहुंचे। स्वर्णा से बारीकी से पूछताछ करने पर उसने सच उगल दिया। स्वर्णा ने बताया कि दीपा ने उसे 1 लाख रुपए उधार दिए थे। वह कई दिनों से अपने पैसे वापस मांग रही थी। शनिवार की दोपहर 1:30 बजे के दौरान वह घर पर आई। पैसे नहीं देने के कारण विवाद हो गया और हाथापाई की नौबत आ गई। इसी दौरान स्वर्णा और सामी ने मिलकर दीपा की गला घोटकर हत्या कर दी। बाद में दुपट्टे से ही उनके हाथ और पैर बांधे गए। उनका शव प्लास्टिक में लपेटकर मैदान में फेंका गया। आरोपी सामी ई रिक्शा चलाता है। दीपा का खून करने के बाद दोनों ने उसका शव फ्रिज की पन्नी लपेटकर फ्रिज में रख दिया और दोपहर 2 बजे के करीब उसे उपलवाड़ी के जंगल में फेंक दिया। सोनी पति पत्नी पर पुलिस को संदेह करने के लिए एक सबूत और था। दीपा का शव लपटे पन्नी और शव के आसपास पड़े फ्रिज के बॉक्स। पुलिस जब इन दोनों से दीपा की गुमशुदगी की जांच करने घर गई तो उन्हें घर में नया नया फ्रिज और वॉशिंग मशीन दिखाई दी, जिससे पुलिस का संदेह और बढ़ गया। काल सकाळी अंदाजे 10 वाजता एक उपलवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया मध्ये एक डेड बॉडी भेटली होती। त्याचा आयडेंटिफिकेशन झाला आणि तिचं नाव दीपा जुगलदास असं तिचं नाव होतं आणि त्याच एरियामध्ये राहणारी ती महिला होती, 41 वर्षाची। नंतर तपास केला आणि त्याच्यामध्ये 2 आरोपी निष्पन्न झाले आहे। आरोपींचं नाव आहे समी हिरालाल सोनी नामक पुरुष आहे 25 वर्षाचा आणि सुवर्णा समी सोनी 30 वर्षाची तिची बायको आहे। हे 2 मुख्य आरोपी त्याच्यात आहे आणि याच्यामध्ये कारण जे आहे मर्डरचा तो असा आम्हाला समजला आहे की जे मृतक है ते एक बचत गट चालवत होती आणि त्याच्या माध्यमातून जे आरोपी आहे त्यांना काही पैसे त्यांनी उधार दिले होते आणि ते पैशाची वारंवार मागणी करत होती। त्यामुळे त्याचा राग आल्याने आरोपी महिला आणि पुरुष यांनी गळा दाबून ती महिलाचा मर्डर केला आणि नंतर ती बॉडी उपलवाडी इंडस्ट्रियल एरिया झाडी झुडपी एरिया आहे तिथे डिस्पोज करून टाकली। डिस्पोजलसाठी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नाही आहे, पण घटनास्थळवरून काही आम्हाला असं मटेरियल भेटलं आहे जे लिंक करतं आहे आरोपीला आणि घटनास्थळाला आणि असे स्टेटमेंट्स आहे, मोबाईल लोकेशन्स आहे, बाकी इतर जे टेक्निकल पुरावे आहे त्याच्या माध्यमातून आम्हाला कन्फर्म झालेलं आहे की हेच 2 आरोपी आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़, नागपुर।